मोदी जी, तुम्हारी दुकान ठीक ठाक से चल रही है ना? रोजाना के हरे हरे नोट छापते रहते हो। अखिलेश बाबू, आजकल हरियाली बंद हो गई है, आजकल तो नीली पीली नोट चल रही है, हरे नोट बंद हो गए हैं। हाँ हाँ, ये तो पहले की बात बोल गया मैं। चलो ठीक है, नीले पीले ही सही, पर छपाई तो चल रही है ना? अखिलेश भैया, मैंने और मोदी जी ने पार्टनरशिप में दुकान खोली थी, पूरी की पूरी दुकान खाली हो गई है। बस आप तो बैठे बैठे गप्पे मारते रहते हैं। मोदी जी, फोकट में गप्पे क्यों मारते हो? कोई मजेदार किस्सा सुना दो तो मैं तुमको 5 रुपए दूंगा। मोदी जी, मैं भी 5 रुपए दूंगा। मोदी जी, हम इनसे क्या कम पड़ते हैं क्या? मैं तुमको 10 रुपए दूंगा। शुरू करो मोदी जी कोई किस्सा कहानी। हाँ तो भैया होन, आज मैं आपको एक गरीबी की कहानी सुनाऊंगा। गरीबी पाप का मूल होती है, ऐसा सियाने बुरे लोग हम कहते हैं। एक गरीब आदमी था, एक दिन वह राजा के पास कर्ज मांगने के लिए गया। राजा साहब से बोला कि राजा साहब, मुझे 5000 रुपए दे दो कर्ज के रूप में, मैं 5 महीने के भीतर आपके पैसे वापस लौटा दूंगा। राजा साहब ने उस पर विश्वास करके उसे 5000 रुपए दे दिए। 5 महीने पूरे हो गए, लेकिन उस व्यक्ति ने राजा के पैसे वापस नहीं दिए, तो मजबूरन राजा उसके घर गया पैसे मांगने के लिए। पर वह व्यक्ति घर नहीं मिलता था, और कभी जब भी मिलता था तो कुछ भी बहाना करके राजा को टाल देता था, वहाँ से वापस पहुँचा देता था। एक दिन राजा साहब को गुस्सा आ गई। मोदी जी, राजा साहब तो बंदूक लेकर गया होगा और गोली मार दी होगी उस आदमी को। अब राजा साहब का कौन बाल बाका कर सकता है? नहीं भैया अखिलेश, राजा साहब गुस्से में उसके घर गया और जोर से आवाज लगाई, तो घर में से उस व्यक्ति की छोटी सी लड़की बाहर निकली। तो राजा साहब ने उस लड़की से पूछा, बेटी तुम्हारे पिताजी कहाँ गए हैं? तो लड़की ने कहा, महाराज स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। और बेटी तुम्हारा भाई कहाँ गया है? राजा साहब, भैया बिना वजह के झगड़ा करने गया है। और तुम्हारी माँ कहाँ गई है? बेटी बोली, माँ 1 के 2 करने गई है। राजा को उसके बेतुके जवाब सुनकर गुस्सा आ गई। अरे एक रपाटा लगाया होगा छोरी को, बदतमीजी कर रही है राजा साहब से। लालू जी, तुम क्या गुंडागर्दी के खानदान से हो क्या, जो हमेशा मारने झोंकने की ही बात करते रहते हो? अरे प्यार से पूछा होगा। मोदी जी आगे बताओ, आगे क्या हुआ, जल्दी बताओ। गुस्सा में राजा ने कहा बेटी से, तुम यहाँ बैठे बैठे फिर क्या झक मार रही हो? तो बेटी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, राजन मैं बैठे बैठे यहाँ पर संसार देख रही हूँ। राजा साहब समझ गया कि इस छोरी ने तो मेरे को ही उलझा दिया। फिर राजा ने सोचा कि अब इससे प्यार से पूछा जाए कि इन जवाबों का मतलब क्या होता है। राजा ने कहा कि बेटी इन जवाबों का मतलब क्या है? तो लड़की ने कहा, राजन मैं आपको इन जवाबों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, पर मेरी एक शर्त है कि आपको मेरे पिताजी का कर्ज माफ करना होगा। तो राजा ने कहा, ठीक है मैं तुम्हारे पिताजी का कर्ज माफ कर दूंगा, आप बताओ। तो लड़की ने कहा कि राजा साहब आप कल आना, मैं आपको कल अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो राजा साहब वहाँ से अपने घर वापस चला गया। दूसरे दिन राजा साहब फिर वापस आया, तो राजा साहब ने देखा कि उसके घर के सभी लोग उसके घर ही एक साथ बैठे हैं। राजा ने पूछा लड़की से कि बेटी आप बताओ उन जवाबों का मतलब क्या है? लड़की ने कहा, राजन आपको अपना वादा याद है ना? तो राजा साहब ने कहा कि हाँ मुझे याद है, मैं तुम्हारे पिताजी का कर्ज माफ कर दूंगा, आप बताओ कि जवाबों का मतलब क्या है? लड़की ने अपने सभी घर वालों को इसलिए रोक कर रखा था कि ताकि उनको यकीन हो जाए कि राजा साहब ने उनका कर्ज माफ कर दिया है, नहीं तो उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। लड़की ने फिर राजा साहब से कहा कि मैंने आपसे कहा था कि पिताजी स्वर्ग का पानी बंद करने गए हैं, इसका मतलब है बरसात के पानी से। हमारे घर की छत टूटी फूटी थी तो पिताजी छत को ठीक कर रहे थे। पानी आसमान से आता है और हम सभी तो आसमान को ही स्वर्ग मानते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए थे। वाह मोदी जी, छोरी तो बड़ी होशियार लगती है। हाँ होशियार तो है, तभी तो जवाबों का जवाब दे रही है। आगे सुनो, आगे मैंने आपसे कहा था कि भाई बिना वजह के झगड़ा करने गया है, इसका मतलब है कि भाई बोर तोड़ने गया था। बोर की झांडी में से बोर तोड़ेगा तो कांटे उसको चुभेंगे और दर्द करेंगे, तो भाई तो बोर तोड़ने गया था पर कांटों ने उसे चोट पहुंचाई, इसी को कहते हैं कि बिना वजह के झगड़ा करने गया था। और तीसरा जवाब मैंने आपको दिया था कि माँ 1 के 2 करने गई है, इसका मतलब है कि माँ चने की दाल बनाने गई थी, क्योंकि चना तो 1 होता है पर दाल बनने पर वो 2 हो जाता है, इसी को कहते हैं 1 का 2 करना। और बेटी चौथी बात, और मैंने आपसे कहा था राजन कि मैं घर बैठे बैठे संसार देख रही हूँ, इसका मतलब है कि मैं चावल बना रही थी,
हाँ जी, मैं चावल छू रहे थे तो मैं चावल को देख रही थी कि चावल पके हैं या नहीं पके हैं। पक जाते तो हम सभी लोग खाते और संसार देखते। आदमी भोजन खाएगा तो ही जिंदा रहेगा और जिंदा रहेगा तो ही संसार देखेगा। तो भैया लड़की ने इस प्रकार उन सभी जवाबों को अच्छे से राजा साहब को समझाया तो राजा साहब लड़की की चतुराई को देखकर खुश हो गया और राजा साहब ने अपने गले से हीरो की माला निकालकर लड़की के गले में डाल दी तोहफे के रूप में। मोदी जी, लड़की ने तो राजा साहब को घर बुलवाकर चतुराई से लूट लिया। पर मोदी जी, बड़ी दिलचस्प कहानी थी, मस्त लगी। 5 की जगह पर 10 रुपए ले लो। और भाइयों, आपको कैसी लगी मोदी जी की कहानी? अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। भोलेनाथ सबके साथ। यार मोदी भैया, मैं बहुत परेशान हूँ यार, मेरी गाय सामने होने वाली है। मैं किसी सांड के पास ले जाता हूँ तो सांड देख के भाग जाता है, या तो उसको मारने लग जाता है, या मैं पीछे चढ़वाने की कोशिश करता हूँ तो वो सामने से चढ़ जाता है। मैं बहुत परेशान हूँ यार, मेरी गाय सामने होगी तो होगी कैसी यार? अभी तो थारी भैंस का सामने करवाया, कसो करवाया मैं खरीद बता यार। अरे योगी महाराज, तू कहियो सांड मांड का चक्कर में पड़े है, तू तो सीधे डॉक्टर पास जा, एक इंजेक्शन लगा, अभी गाय सामने हो जाएगी। मारा मत ये दिमाग आया ही नहीं यार। मैं भी यार बुड़बक आदमी यार, मैं तो यार सोची नहीं यार। देख मारा कोई टेंशन है ही नहीं, भारी भैंस जब भी सामने होए मैं फर्स्ट क्लास डॉक्टर के पास ले जाऊँ है, एक इंजेक्शन खा लूँ है, भारी भैंस सामने हो जाए और फर्स्ट क्लास दूध जर्रान लग जाए, जर्र जर्र। तू भी एक भैंस पाल ले तो तू जब भी भैंस का नीचे बैठोगे नहीं, दूध लगाना कर लिए तो भाई इतना दूध देगी, इतना दूध देगी कि तू चाय है नहीं पेवर दूध की बना कर पीजे। तो बाद में दूध बचोगो तो तू एक काम कर जे, घी खा जे, उसका बाद में बचे तो तू दूध से भली नहा जे धोजे, बहुत दूध देगी। तुम्हारा नाम याद रखो, एक आज तू भैया गाय जोड़ और भैंस पालन लगी जा। देख मोदी भैया, मैं था से पूछना आया था कि हमारी गाय गावन नहीं हो रही, तू मखे अकल दे रहे हो कि भैंस पाल ले, तो मखे भैंस मैंस नहीं पालन हुई कर, हमारी तो गाय अच्छी और मैं तो गाय को दूध को ही चाय पीऊँगा, मैं भैंस मैंस को दूध नहीं पीतो खातो हूँ कर। अरे अकल थारा पास रख, मैं भैंस भैंस नहीं पालन हुई थी, भाई भैंस थारा के मुबारक। देखो भाई लोगों, जो भंजारा मैंने दिया है वैसे भंजारा तो तुम लोगों ने कभी भी लाइफ में नहीं खाया होगा, ना ही तुम्हारी 7 पुश्तों ने कभी खाया होगा। तुम्हारा नसीब अच्छा है जो तुमको ये भंजारा खाने को मिल रहा है। मैंने भंजारे में आलू के पराठे और सब्जी और आम भी दिए हैं, खाओ जी भर के खाओ। अरे ठाकरे साहब, तुमने भंडारे में इंतजाम तो बहुत बढ़िया किया है, सबको एक एक आम दिया है और मेरे को 3 आम दिए हैं और पराठे भी बहुत अच्छे हैं। अब ठाकरे साहब पराठे खत्म हो गए हैं और बुलाओ पराठे। हाँ ठाकरे साहब, पराठे बुलाओ, मेरे पास भी खत्म होने वाले हैं। तुमने 2 पराठे दिए और 1 घंटा हो गया, कोई पराठा देने वाला कोई आया ही नहीं। लाओ और लेके आओ पराठे, 2 पराठे में पेट नहीं भरेगा, कम से कम 10-10 पराठे तो दो। और ठाकरे साहब, तुमने मोदी जी को तो 3 आम दिए हैं, हमको तो 1-1 ही आम दिया है, ये गलत बात है, ये तो सरासर भेदभाव है। अरे राहुल, तुम्हारा यही रोना धोना है, किसी को कम दिया किसी को ज्यादा दिया। अरे जिसके नसीब में जितना होता है उसको उतना ही मिलता है, जितना था मैंने सब दे दिया हूँ। आलू के पराठे भी खत्म हो गए और आम भी खत्म हो गए हैं, जो है उसी में खुश रहो और मजे से खाओ। तो फिर ठाकरे साहब, आप अपने भंडारे की बड़ाई क्यों कर रहे हो और बोल रहे हो कि हमारी 7 पुश्तों ने भी ऐसा भंडारा नहीं खाया होगा, हम लोग नसीब वाले हैं। अरे काहे का नसीब, हमारे नसीब तो फूटे रहे जो हम आधा पेट खाकर भूखे ही घर जाएंगे। आए बड़े अपने भंडारे की बड़ाई करने वाले। और भाई और बहनों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। भोलेनाथ सबके साथ। झूम बराबर झूम शराबी, ठेके वाले को चूतिया बनाया, पानी की बोतल में शराब भर लाया। झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम झूम झूम। अरे बेवड़े इधर आ रहे। हाँ बोलो साहब, लोगों का कही राज। अरे इतनी धूप में तू कहाँ से दारू पी खाई रोज? अरे साहब लोगों, तुमका कई मतलब यार, मैं कहीं भी जाऊँ कहीं भी खाऊं पीऊं दारू पीऊं गायों पीऊं, तुमका ऐसे काय लेन देन हो यार? क्या ढंग से बात कर, नहीं तो तुमका अंदर कर देगा। हाँ तो करी दे, मगर काय लेन देन हो, तुम कहीं नुकसान होगो? कसो नुकसान होगो? देखो साहब लोगों, तुमसे पहले जो साबुन आया था उनने मगर 2-4 बार अंदर करके देख लियो, लेकिन नुकसान उनका ही हुयो। देखो मैं वहाँ जाऊँगा, मखा अंदर कर दे है तो मैं फर्स्ट क्लास उनका चूतिया बनाऊंगा। कसो अबे ये मारो आदमी, 1 घंटा की तो बात ही है यार। जब तक तुम चाय लिया हो, दारू मारू लिया हो तो फर्स्ट क्लास भी मान लिया, दारू लेकर आए, चाय माए, नाश्ता पानी सब कुछ खिलाए भैया। ऐसा ऐसा करते 1-2-4 दिन हो जाए, फिर खुद ही खिंचवाई जाए, जब उनकी जेब खाली हो जाए तो खुद ही खिंचवाई जाए।
तो फिर मगर दो चार लात मारी कर भगई दे है। खतर दारू बाहर भी मिली जा छोड़ अंदर ही मगर साहब लोगों ने पिलाज और मैं उनके चुनो लगे कहूँ। तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी पकड़ ले जाओ। अरे यार तू तो जा यहाँ से यार जा। अरे हवलदार साहब मेरे को यार घर तक छोड़ देना है, मेरे को ज्यादा चढ़ गई है यार। अरे यार भैया छोड़िया एक है यार, ये नहीं तो फालतू में यहाँ की यार खड़ा खड़ा अपना दिमाग खराब हो यार। यार छोड़िया यार, चल भैया। हाँ तो अपनी गाड़ी वहाँ खड़ी है, तुम मेरे को वैसे छोड़िया यार। कहाँ थारी गाड़ी? कह तुखे इतनी बड़ी गाड़ी नहीं दिखती, रिश्वत का पैसा हो तो तुखे खर्च से दिखी जा। तुखे यार मोटरसाइकिल दिखती हमारी? कहाँ मगर दिखती नहीं यार। अरे यार था सामने तो खड़ी है यार, चल मैं तुखे बताऊँ। अरे चल भैया। यह हमारी गाड़ी। मखा लगा मखा उल्लू बने रहो, चल मैं भी एक उल्लू बनाऊँ। चल मैं चालू कर लूँ यार। हाँ तो कर चालू। धुर 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 धुर। हाँ भैया बैठी यार। हाँ ना मैं बैठी हुआ है। हाँ तो चल भैया। हाँ तो चल। धुर 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 धुर। आओ भैया हन आओ, आज मोदी का यहाँ भंडारो है तो मैं तुमको पेट भर कर खिलाऊंगा और तुम्हारा घर भी बांध खले जाओ भली अपना अपना सेला में। आओ भैया हम पेट भर कर खाओ। अरे मोदी काका ये पत्तल में तो दो पूरी और सब्जी है, मैं कहीं पेट थोड़ी ना भरा वो। आ तो भैया अकेले सितो तो खा फिर देखांगे यार। अरे मोदी काका कहीं और कहीं बना ले तो यार, कहीं मीठो सीटो। तो मीठो सीटो में कहीं खाओ तू? अरे कहीं गुलाब जामुन वगैरह बने ले तो यार। हाँ तो गुलाब जामुन भी है नहीं, तू पूरी तो खा। देख अपना पप्पू का तो देख कसो खाई रो है आज। यार योगी महाराज तो कहीं नहीं बोल लो। अरे आज योगी महाराज को मौन व्रत है इसलिए वो चुपचाप खाई रो है, वो को नाम मत ले नहीं तो को दिमाग अभी गर्म हो जाएगा तो तू अभी यहाँ से पातल छोड़ कर भग जाओ। हाँ अखिलेश बाबू मोदी घर का भंडारा में तो बहुत मजा आ रहा है, मोदी जी ने पूरी तो एक नंबर बनी है, मजा आ गया खाना में। तू भी मजे से खा, मैं भी मजे से खा रहा हूँ, मैं तो उंगलियाँ चाट चाट के खा रहा हूँ, तू भी मजे से खा। अरे तो मोदी बाबा अखिलेश बाबू कह रहे हैं कि गुलाब जामुन भी हुई जाती तो अच्छो रहते तो, और थोड़ा चरखा के साथ थोड़ा मीठो भी हो जाते। अरे बेटा होन पहले इतना तो खाओ फिर उसके बाद में देखांगा, तुमको गुलाब जामुन भी दूंगा। अरे तो ये तो हम अब भी ख़त्म कर देंगे। अरे तो भैया भंडारा में तो लोगों ने बस ही प्रसाद बांटे है, मैं तो तुमको बैठे का खिला ही रहो है, दो पूरी और सब्जी दे रहे है, अगर तुमसे नहीं खवाए तो तुम्हारा सेलाम बांध कर घर भी ले जाओ भले, मैं मना थोड़ी नहीं कह रहे है। हर तो मोदी काका दो पूरी के हम खाएंगे कि घर ले जाएंगे सलाम बांध के, ये दो पूरी तो हमारी दांत में लग जाएगी और फिर पेट कसो भरा आएगा और घर का ही ले जाएंगे। देखो भैया ओन तुमको यहाँ खानू हो बैठी का तो यहाँ बैठी खाओ और तो घर ले जा खानू हो तो घर ले जा खाओ। हमारा पास तो वह भंडारा में यही व्यवस्था थी, दो पूरी और इतनी सब्जी जो मैंने तुमको दे दी, तुम्हारी इच्छा हो तो खाओ नहीं तो यह रास्ता पड़ी है, उठो अपना अपना घर जाओ। चल रहे पप्पू भैया, देखो कई तो कंजूस आदमी है, खाना में भी खिंचवा रो है, रोई रो है। अरे नहीं अखिलेश बाबू मखा तो बहुत मजा आ रही खाना में, मैं तो खा रहा हूँ भैया, पहले मैं पूरी खत्म करना के बाद फिर चलूंगा यार। अरे पप्पू थोड़ा ऐसा भुक्का तो मैंने देखो नहीं आज तक यार, तो खा यहीं की जगह बेशरम की तरह, मैं तो नहीं खाता, मैं तो जा रहा हूँ। आ गया आ गया आ गया मोदी केले बेचने वाला आपके गली मोहल्ले में, ले लो भाई और बहनों मात्र 20 रुपए दर्जन है ये केले, हमारे केले खाओगे तो घोड़े जैसी फुर्ती लाओगे, ताजा मीठे फ्रेश केले। मोदी जी तुम अपने केले को ताजा मीठे और फ्रेश बोल रहे हो और केले खाकर घोड़े जैसी फुर्ती आ जाएगी, पिछली बार तुमने अनार बेचने का काम किया था और बोल रहे थे कि एक अनार में 1000 दाने निकलेंगे, मैंने तुमसे अनार लिए थे और घर जाकर रख दिए थे और 15 दिन बाद मैंने सोचा कि अब मैं खा लूं, तुम्हारे अनार में से मात्र काला पानी निकला, एक भी दाना का नामो निशान नहीं निकला, पूरे सड़े के सड़े अनार निकले, अब मैं केले कैसे लूं तुमसे, अब तुम ही बताओ। योगी जी ये तो सड़ा गला धंधा है, अब योगी जी क्या मैं केले के अंदर थोड़ी नहीं बैठा हूँ कि केला अंदर से सड़ा है या गला है, ऊपर से अच्छे दिख रहे हैं तो मैं अच्छा ही बोलूंगा। और योगी जी फल फ्रूट रोजाना खरीदो और रोजाना खाओ, ऐसा नहीं कि एक दिन खरीद लिया और 15-20 दिन बाद उसको खा रहे हो, और तुम ये दो चार जगह मेरी बुराइयां करना बंद कर दो, क्यों मेरे धंधे की वाट लगाने झुके हो, कमाने खाने दो बेचारे गरीब को। अरे योगी जी ऐसा सड़ा गला धंधा क्यों करते हो, मजबूत धंधा किया करो जैसे पन्नी बिनने का काम, भंगार खरीदने का काम, ना सड़ेगा ना गलेगा। अरे मोदी जी तुम ये योगी जी के साथ फोकट की बकचोदी क्यों कर रहे हो, ये तो पकाऊ आदमी है, ये तो दून की 3 मचकाता है, तुम तो एक काम करो मेरे को 2 दर्जन केले दे दो। ये हुई ना धंधे वाली बात, ये लो अखिलेश बाबू 2 दर्जन केले और 40 रुपए निकालो फटाक से।
और सीखो योगी जी सीखो, अखिलेश से कुछ सीख लो। किसी गरीब के पेट पर लात नहीं मारते, धंधा छोटा हो या बड़ा, सड़ा गला हो या टिकाऊ, धंधे की इज्जत करना सीखो। और भाइयों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। भोलेनाथ सबके साथ।